हे गाइस, दिस इज कुंदन राजभर, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू आर्च, चक्रासन कैसे करें। तो गाइस, कुछ भी करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि बॉडी वर्कआउट जरूर होता है। तो पहले चलते हैं बॉडी वर्कआउट की तरफ, और इसमें मैं ऐसे तीन टिप्स बताऊंगा गाइस जो कि चक्रासन यानी आर्च करने में बहुत हेल्प करेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, फाइनली बॉडी वर्कआउट करने के बाद फर्स्ट स्टेप आता है हैंड पुशअप। गाइज, चक्रासन यानी आर्च करने में जो गाइज मदद करता है वो गाइज हैंड में पावर कैसे आता है गाइज, हैंड पुशअप से। और गाइज, दो ऐसे टिप्स बताऊंगा जो गाइज की चक्रासन यानी आर्च करने में बहुत ही मदद मिलेगा। तो गाइज, फर्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। पहले हैंड पुशअप, आप लोगों को पता ही होगा कि हैंड पुशअप कैसे होता है। तो गाइज देखते हैं। फ्रॉग स्टैंड करने में गाइज, फ्रॉग स्टैंड करने में कुछ करना नहीं है गाइज। देखो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे आप फॉलो करते जाओ, एंड देन फ्रॉग स्टैंड भी आ जाएगा। क्योंकि चक्रासन करने में हाथ में ज़्यादा पावर रहना चाहिए, तभी तो आएगी चक्रासन यानी आर्च। तो गाइज, फ्रॉग स्टैंड करने में पहले जैसे पुशअप मार रहे थे आप, वैसे सेम हाथ आगे लेके जाना है। तो गाइज, आप पहले हाथ आगे लेके जाओगे, देन ये जो पीछे का पैर है वो धीरे धीरे कहाँ टक करना है गाइस, यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो गाइस, हाथ आगे रखा एंड देन धीरे धीरे पैर उठाया। कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं गाइस, ये ऐसे ऐसे। तो गाइस, ये बिल्कुल रॉन्ग है गाइस, ये जो ऐसे ऐसे करते हैं बिल्कुल, ये बिल्कुल रॉन्ग है। अब मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे ना करें गाइस, जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे वैसे फॉलो करो गाइस। आगे हाथ रखो, देन धीरे 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 यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरह। गाइज, ये होता है फ्रॉग स्टैंड। तो गाइज, इससे करने से हाथ में जो पावर आती है गाइज, बहुत ज़्यादा पावर आती है गाइज। इससे बिल्कुल 5 से 10 टाइम करें, बहुत ही मस्त है गाइज। इससे क्या है कि पावर आता है हर एक फ्लिप करने में, जैसे बैक हैंड स्प्रिंग हो गया, राउंड ऑफ हो गया गाइज, और भी ऐसे फ्लिप है जो बहुत मदद करेगा इसे करने में। थर्ड स्टेप होता है हैंड स्टैंड। तो गाइज, हैंड स्टैंड में गाइज आपको पता ही होगा कि गाइज हैंड स्टैंड होता कैसे है। तो गाइज, सिंपली से आते हैं पहले हैंड से कैसे करते हैं। तो गाइज, हाथ ऐसे रखेंगे, बिल्कुल वही सेम तरीका हाथ ऐसे रखेंगे, और गाइज धीरे धीरे अपने बॉडी को पूरा अप करेंगे ऊपर की तरफ, कुछ ऐसे, ये ऐसे पैर ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे, ये गाइज कुछ इस तरह करना है। और गाइज, ये आपको पता होगा अगर ऐसे नहीं होता है तो गाइज आप वाल के सहारे भी कर सकते हो। तो चलो वाल के सहारे भी बता देते हैं कि वाल के सहारे कैसे किया जाता है। स्टेप करेंगे जो स्टेप मैंने बताया था वहाँ पर, तो गाइज बिल्कुल वही स्टेप यहाँ पर भी फॉलो होता है। तो गाइज कुछ करेंगे नहीं, सिंपली ऐसे करेंगे गाइज, ये जो हाथ है ऐसे रखेंगे, ये जो पैर गाइज बिल्कुल ऐसे धक्का देंगे, मतलब ये जो पैर गाइज ये ऐसे ऐसे फेंकेंगे दीवार की तरफ। तो गाइज ऐसा क्या होगा कि ये जो हमारा दोनों पैर है वो दीवार पे टच होगा, तो गाइज बिल्कुल हैंड स्टैंड की तरह आएगा। तो गाइज कैसे होता है देखो, हाथ रखा देन पैर से किक किया, बूम गाइज, बिल्कुल इजीली। सो गाइज जस्ट लाइक दैट। तो गाइज बिल्कुल ऐसे ही करना है, इसको भी 10 से 20 टाइम कर सकते हैं गाइज, बिल्कुल मस्त है। फाइनली गाइज, ये सब वर्कआउट करने के बाद आप चक्रासन के लिए बिल्कुल रेडी हो। तो गाइज, चक्रासन के लिए ऐसे तीन टिप्स बताऊंगा गाइज, बिल्कुल इजली कर सकते हो, कोई भी कर सकता है गाइज। तो गाइज चलिए वीडियो, गाइज आपको सिर्फ इस पोजीशन में खड़ा हो जाना है। तो गाइज, अपने हाथ को ऊपर करेंगे, और देन अपना जो आइज है वो बिल्कुल ग्राउंड पे देखेंगे गाइज। वो कैसे आप फॉलो करो गाइज, बिल्कुल हाथ ऐसे उठाया, ठीक है गाइज, अब धीरे धीरे ऐसे ऐसे डाउन होंगे। और गाइज
इम्पोर्टेंट, ये जो घुटना है किसी किसी लोग का आगे ऐसे आ जाता है ऐसे, तो गाइस ऐसे नहीं करें, ये मिस्टेक होता है। कुछ लोग ऐसे करते गाइस, ये ऐसे 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 करेंगे गाइस, ये ऐसे, तो गाइस ये बहुत ही मिस्टेक होता है, तो गाइस ये बिल्कुल ना करें। तो गाइस ऐसे अगर सही करना है तो गाइस क्या करें, ये जो घुटना है गाइस यहीं पे रोक के रखें, यहीं पे अगर घुटना को रोक देंगे तो गाइस बिल्कुल आर्च यानी चक्रासन मस्त होगा। तो गाइस बिल्कुल ये पोजीशन में आ जाना है, फिर से अगर हाथ ऊपर करते हुए बॉडी को धीरे धीरे जाना है, जैसे आप सोते हो बिस्तर पे, इसको बिस्तर पे भी ट्राई कर सकते हो गाइस। तो गाइस आपको कुछ सिंपली लेट जाना है, अगर ये जो हाथ है हाथ को ऐसे नहीं रखना है, वो ऐसे रखेगा गाइस, बिल्कुल ऐसे इस गाइस इधर का ये जो फिंगर है इस साइड का रहना चाहिए। तो गाइस आपको बिल्कुल लेट जाना है, ये हाथ ऐसे उठा के देन पीछे लग जाना है और पैर को ऐसे करना है और देन अपने आप को अप कर देना है। तो गाइस दोनों टिप्स करने में अगर आपको ज़रा सा कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो थर्ड टिप्स है गाइस कि इसमें ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है ना कोई चीज़। तो गाइस अपने फ्रेंड को बुला लेना है, आप अपने फ्रेंड को बुला लो। तो गाइस मेरा फ्रेंड आ चुका है, तो गाइस सिंपली उसी पोजीशन में इसको खड़ा करना है और कुछ बोलना नहीं है, जैसे मैं आपको पहले टिप्स में बताया था गाइस हाथ को ऊपर करना है। ठीक है गाइस, अब इसके कमर पे यहाँ पे हाथ रखना है और देन आप इस साइड हो जाओ ऐसे, क्योंकि कमर पे ऐसे हाथ रखना है गाइस, तो ऐसे ही करना है, इस कमर पर हाथ रखें और देन इसको बोलना है झुकने को। चलो परफेक्ट गाइस, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है गाइस, बिना किसी रोक टोक का गाइस आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हो अपने फ्रेंड की मदद से। तो गाइस तो आई होप गाइस आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा गाइस, और जो मेरे बताने का तरीका है गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो गाइस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और गाइस और जो नए मेंबर हैं वो भी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और गाइस ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ, तब तक के लिए बाय एंड पीस आउट। It's caught in the crossfire.